हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में MPAV ग्रुप वन, सब ग्रुप वन का जो आप लोग का पेपर होने वाला है, उसी सिलेबस पर आधारित आप लोग जो टॉपिक अर्थ साइंस की है, जिसमें अर्थ साइंस की जिसमें एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, आप लोग को सिलेबस में भी दिया गया है। तो रिविजन के तौर पर यह वीडियो लाई जा रही है। परीक्षा हाल में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग एग्जाम दे के आएंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग पछताएंगे कि खास इस वीडियो को देख कर गए होते। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले आप लोग को अपडेट कर दी जाती है। एक बात और बता दूँ, आप लोग को जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोग को प्रोवाइड करवाने की कोशिश जरूर की जाएगी। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दी गई है। ठीक है, चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग बता दूँ, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो किसी, इसे थोड़ा सा जल्दीबाजी में करेंगे, यानी फटाफट करने वाले हैं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग को इनको याद भी कर लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है। आई होप ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सभी लोगों से बनना चाहिए। 23.5 यानी 23.30 में पूछा जाए, दशमलव पूछा जाए तो 23.30, वैसे 23.13। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अगला सवाल है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, किस पर है, पृथ्वी पर सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अगला सवाल है, सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, पांचवा स्थान है, आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, पृथ्वी का विस्वती व्यास कितना है, पृथ्वी का विस्वती व्यास कितना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो ये जो विस्वती व्यास है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 12,756 किलोमीटर। इसी तरह धोबी व्यास आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग याद रखना है 12,714 किलोमीटर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्रुवी विस्वती व्यास, तो विस्वती व्यास 12,756 होगा। वहीं आप लोग को ध्रुवी व्यास पूछ लिया जाए तो आप लोग को 12,714 किलोमीटर होगा। ठीक है, आप लोग याद कीजिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, आप लोग याद रखना है। आप लोग को एक बात और बता दूं, कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को रिप्लाई जरूर किया जाएगा, या आप लोग डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे, यदि आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर दीजिएगा, हाय हेलो नहीं करना है, आप लोग डायरेक्ट जो सवाल हो उसको लिख दीजिएगा, आप लोग को रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे आप लोग का क्या नाम है इंस्टाग्राम हो, जहाँ पे भी आप लोग जुड़े हैं सोशल मीडिया पर, वहाँ से आप लोग जाके जुड़ सकते हैं। अगला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न नंबर 6 है, पृथ्वी पर अपने ध्रुव का चक्कर किस रफ्तार और कितने समय में पूरा करती है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23:56.04 में पूरा करती है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं, घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। एक क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि SSC रेलवे में इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा है, मत पूछिए। ठीक है, अभी RRV ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और व्यापम में भी बहुत बार, व्यापम का भी फेवरेट क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होते हैं, आप लोग घूर्णन गति के कारण जो है दिन रात होते हैं। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं, प्रकीर्णन से जो है साल बनते हैं। अगला सवाल, सूर्य की प्रकीर्णन करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट, 46 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। आप लोग को दोनों ऑप्शन में मिल सकते हैं, आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा, आप लोग ए भी ऑप्शन में मिल सकता है सेकेंड सहित, और आप लोग को 365 6 घंटे मिल सकता है। ठीक है, आप लोग दोनों को याद रखना है। पृथ्वी को सूर्य की एक प्रकीर्णन करने में लगने वाला वक्त को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सौर वर्ष कहा जाता है, क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस टॉपिक पर आप लोग को रिवीजन करना होगा, वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है, 6 घंटे का समय बढ़ जाता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है, आकार और बनावट की दृष्टि जो है एक पृथ्वी जो है शुक्र ग्रह के समान है, यानी शुक्र ग्रह की बहन भी कहा जाता है पृथ्वी को, यानी आप लोग इंटर रिलेट कर सकते हैं, पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखना है।
अगला सवाल, और शुक्र ग्रह को भोर के तारा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, तो आप लोग याद रखना है शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा कहा जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन पूछा जाता है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो आप रखना है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है किस कारण से कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, पूरी टीम आप लोग के लिए इतना मेहनत करती है, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला सवाल है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य के बाद सबसे पृथ्वी का सबसे निकट तारा प्राक्सिमा सेंचुरी है। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? आई होप सभी लोगों को पता होगा, चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? ये सेनेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? सेनेनोलॉजी कहता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला सवाल है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? चंद्रमा पर पाए जाने वाले सबसे किस चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? यह है टाइटेनियम की। किसकी है? टाइटेनियम की, आप लोगों को याद रखना है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा को देखा जाए तो कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? आप लोग ध्यान रखना, 57% भाग दिखाई देता है। कितने? 57%। अगला सवाल है, चंद्रमा धरती की परिक्रमण और घूर्णन कितने दिनों में करता है? 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा जो है धरती का, जो पृथ्वी का परिक्रमण और घूर्णन करता है, 27 दिन 8 घंटे में करता है, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल, चंद्रमा का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा है? यह लिमन निटिच पर्वत जो है चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला सवाल है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग और सर एडविन एल्डिन जो थे चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम यात्री थे। अगला सवाल है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्री ने पहुंचने में सफलता पाई थी? 21 जुलाई 1969 को, ठीक है। अगला सवाल, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। किसे? अपोलो 11 जो है इससे अंतरिक्ष यात्री पहली बार चंद्रमा पर गए थे। प्रकाश चक्र क्या है? प्रकाश चक्र क्या है? वैसे वैकल्पिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों में बांटती है उसे प्रकाश चक्र कहा जाता है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी परिभ्रमण करती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय। क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय। एपसाइड रेखा क्या है? एपसाइड रेखा क्या है? उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उसे एपसाइड रेखा कहते हैं। और आप लोग पूछेंगे वो उपसारिक क्या है, अपसारिक है, तो आइए जान लेते हैं उपसारिक रेखा क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ऑलरेडी आप लोग जो साइंस की क्लास चल रही थी उसमें भी पढ़ाया जा चुका है। यदि आप लोग पुराने वीडियो देखेंगे तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वैसे देख लीजिए। उपसारिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है जिसे उपसौरिक कहा जाता है। इन पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उपसौरिक और अपसौरिक में, ठीक है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की दूरी होती सबसे कम होती है। ये भी पूछा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे कम किस दिन होती है? 3 जनवरी को होती है, आप लोग याद रखना है। अपसौरिक क्या है? जुलाई को पृथ्वी सूर्य की दूरी चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखना है। अक्षांश क्या है? यह ग्लोबल पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। ग्लोबल पर जो ग्लोब पर जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में हम लोग प्रदर्शित किए हैं उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। किस रेखा को शून्य अंश में स्थित माना जाता है? विषुवतीय रेखा को शून्य अंश में स्थित माना जाता है। देशांतर रेखा क्या है? ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर, देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण ओर और अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। आप लोग ध्यान दें, दोनों को में डिफरेंस याद रखना है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा काल्पनिक रेखा है। किस स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर? देशांतर के आधार पर समय का ज्ञात किया जाता है। दो देशांतरों की रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आप लोग ध्यान रखना, गोरे कहा जाता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है उसे गोरे कहा जाता है। क्या? गोरे। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में, ध्यान दीजिएगा,
सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण अमावस्या किस दिन होता है? अमावस्या के दिन ही पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? पूर्ण पूर्णिमा के रात जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, आप लोग ध्यान रखना है। समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? एक देशांतर का अंत होने के पर समय पर 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूरब की ओर बढ़ने के प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। इसी तरह इसका क्या है, समय का निर्धारण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है अंटार्कटिक सागर, चूंकि सागर बेरिंग स्टेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत, चीन और म्यांमार से जो है कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग दोनों को लिख सकते हैं, यानी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल है, ग्रीनविच माध्यम समय से कितने डिग्री देशांतर पर होता है? 0 डिग्री देशांतर पर होता है। ग्रीनविच माध्यम समय पर कहाँ कहाँ से गुजरता है? ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, मारो, बुर्किना फांसो, घाना, दक्षिण अटलांटिक सागर से ग्रीनविच माध्यम गुजरता है। विश्व में कितने समय जोन में विभाजित किया गया? विश्व को 24 जोन में विभाजित किया गया है। भारत में किसे मानक समय माना गया है? 82.5 डिग्री देशांतर को, जो पूर्वी देशांतर को मानक समय माना गया है। 85.30 डिग्री यानी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम कितने घंटे का आगे है? 5.5 घंटे समय है। कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच टाइम से। ध्रुव पर रात दिन कितने समय का होता है? 6-6 महीने का होता है। ध्रुव पर जो है रात दिन 6-6 महीने का होता है। जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, तब उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु होती है। जब सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, तो उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है? यह ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, जब सूर्य दोबारा भूमध्य रेखा पर वापस आता है, तब उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है? यह शरद ऋतु होती है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मेरे को लगा आप लोग करवा देना चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आ गया। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।